इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल कर जनता से पूछ रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं। डिंडोरी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चरण पादुका योजना अंतर्गत जनजातीय सम्मान समारोह सभा को संबोधित किया और इमोशनल कार्ड खेला। मुख्यमंत्री शिवराज को अब किनारे लगाए जाने की चर्चाओं के बीच शिवराज सिंह ने जनसभा में जनता से पूछा, मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या नहीं, मुझे सीएम बनना चाहिए कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनना चाहिए कि नहीं। इस बीच सीएम शिवराज ने लाडली बहनों को भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प भी दिलाया। आज आपसे पूछ रहा हूं डिंडोरी भाई, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।